मध्य प्रदेश में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में 7000 किसानों पर अलग अलग मुकदमे दर्ज है। किसानों के केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसानों के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता और सपा बसपा के कार्यकर्ताओं पर लगे झूठे मुकदमे भी सरकार वापस लेगी। 3 जून को होने वाली बैठक में गृह और कानून विभाग ड्राफ्ट रखेगा, उसके बाद एक एक किसान एक एक कार्यकर्ता का मुकदमा वापस लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने अभी कल कहा है, 7000 किसानों पर अलग अलग जिलों के अंदर केस दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, उन पे गोली मंदसौर में चलाई गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि इनका 2 लाख तक का ऋण कांग्रेस की सरकार बनी तो हम माफ़ करेंगे। 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद कमलनाथ जी ने 55 लाख किसानों के कर्जा माफी पर दस्तखत किए। लोकसभा चुनाव के पहले 21 लाख किसानों के ऋण माफ़ी हो गई थी, जिसके सब जगह इसके सबूत हर चीज़ वायरल हो गई है। और हम जिस जिले में भी गए चुनाव में, पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ 40% किसानों के कर्ज माफ़ हो गए हैं, और बाकी को मैसेज आ गया कि चुनाव के बाद आचार संहिता के बाद ये बाकी माफ़ हो जाएंगे। जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, वो नौ किसानों के अकाउंट में ऋण माफ हो रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो किसान हैं उनको अलग अलग उनको अलग से भी सहायता की जाएगी। ये उन्होंने कल ही अपने स्टेटमेंट में कहा है, जो किसान परेशान हैं, जिनके खाद बीज और दूसरे मामलों में कहीं परेशानी, तो उनको अलग से आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इसके साथ ही इनके केस तो वापस होंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू है। अभी मेरे पास जैसे अभी बहुत से जबलपुर जिले के जिला अध्यक्ष ने भेजे हैं प्रकरण जो दर्ज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां सपा बीएसपी और जो भी हैं, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में झूठे मुकदमे, धरने प्रदर्शन के मुकदमे, अपनी बात कहने के मुकदमे जो दर्ज किए, वो सब वापस लिए जाएंगे। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में एक बार फिर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, और 3 तारीख को जो बैठक है उसमें गृह मंत्री जी ने कहा कि इसका एक पूरा ड्राफ्ट बना के लाइए। ला सेक्रेटरी से भी वहाँ इसकी पूरी प्रक्रिया पूछ उन्होंने कहा कि लेके आइए, तो हम लोग ला मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री इन सब चीज़ों को लेकर 3 तारीख की बैठक में एक संपूर्ण उसका एक वहाँ प्रस्तुत करेंगे।